गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 में यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा, गॉस लॉ भी अपने को फ्लक्स के बारे में ही बताता है। हमने फ्लक्स एक तो डेफिनेशन से पढ़ा था, जिसका अपने को फॉर्मूला मिला था इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब जो गॉस ने जो फ्लक्स के बारे में बताया है वो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस ए इन वैक्यूम इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेंड इनसाइड ए। कि किसी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है, इससे जो लिंक फ्लक्स है वो इस पे डिपेंड करता है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये कोई क्लोज सरफेस है जिसका एरिया ए है, मान लो कि इसके अंदर मेरे चार्ज है क्यू, तो जो फ्लक्स आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? वैक्यूम की परमिटिविटी। अगर ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो वैक्यूम की परमिटिविटी आ जाएगी, अगर ये किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो क्यू क्या है बेटा? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये फ्लक्स होता है इस सरफेस से लिंक। बहुत सिंपल है, आपको बस एक ही चीज देखनी है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज रखा हुआ है। अगर अपन टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो उस सरफेस का अपन फ्लक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, उस सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल चार्ज का क्या करना है? वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है। बस अपने को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो अपना फ्लक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। यही है बेटा गॉस लॉ। तो ये लिखा हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। इसी फ्लक्स को अपन ने डेफिनेशन से पढ़ा था क्या? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। टोटल के लिए क्या करते थे? इसका इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। इसके बाद में अपन इस लॉ को प्रूव करते हैं। देखिए, तो मैं एक स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं, एक स्फीयर ले रहा हूं, जिसके सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रखा है, जिसके सेंटर पे, जिसका सेंटर हो, इसके ऊपर मैंने क्या चार्ज, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है बेटा। इस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर। तो बेटा इस स्फीयर के एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स अपन कैलकुलेट करते हैं। किससे? डेफिनेशन से। तो ये कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपको एक एरिया एलिमेंट लेना है, पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में ब्रेक कर लीजिए, सभी एरिया एलिमेंट से फ्लक्स कैलकुलेट करो। टोटल के लिए क्या करो? उसका उनको सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो अपन क्या करेंगे? सिंपल से कि एक एरिया एलिमेंट से आप फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए और टोटल के लिए क्या करो? इसका इंटीग्रल कर दो। तो इस एरिया एलिमेंट डीए का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, डीए वेक्टर। और बेटा सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इस एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स आएगा डी फाइ वो आएगा ई डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं? ई वेक्टर, सॉरी ई डी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। कितना बन रहा है यहां पे थीटा? कितना बन रहा है? जीरो डिग्री। तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो क्या मिलेगा अपने को? ई डी ए ही मिलेगा। तो इस एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? ई डी ए। E की वैल्यू भी रख देते हैं, E
क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर, इस एरिया वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? देखिए सोर्स चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज q से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है? k q अपॉन r स्क्वायर। तो इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट p पर जहां पे अपना एरिया एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? k q अपॉन r स्क्वायर और साथ में d a। अब अपन को क्या करना है? इसका टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरी सरफेस से। तो क्या करते हैं, इस d phi का इंटीग्रल करते हैं टोटल फ्लक्स के लिए। क्या कर दो? इंटीग्रल। और इंटीग्रल कौन सा? क्लोज इंटीग्रल। तो देखिए d phi, d phi की वैल्यू रख दे k q अपॉन r स्क्वायर और साथ में क्या है डीए। बेटा के कूलम कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्यू चार्ज है, इंटीग्रल कर रहे हैं इसके दौरान चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी बाहर आ जाएगा। बेटा रेडियस, अगर एरिया एलिमेंट इधर लो, एरिया एलिमेंट किस तरफ लो, एरिया एलिमेंट इस तरफ लो तो आर की वैल्यू सेम है, तो आर भी क्या है? कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? डीए। मतलब इस एरिया एलिमेंट को अगर अपन ऐड करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा स्पेयर का, और स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4πr2। क्या होता है? 4πr2। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका टोटल इंटीग्रल करेंगे तो पूरे सरफेस एरिया आएगा, और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जो अपने को फ्लक्स मिलेगा टोटल फ्लक्स के क्यू इंटू में क्या आएगा? 4π। बेटा यहाँ पे के क्यू रख देते हैं कूलम कॉन्स्टेंट, 1/4πε0, 4π से 4π कैंसिल, तो क्या आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ। तो अपन ने इसको प्रूव किया किससे? डेफिनेशन से। तो गॉस लॉ यही है कि टोटल चार्ज के अंदर कितना है उसका क्या कहना है आपको? 1/ε₀। डेफिनेशन से भी यही आ रहा है और सीधा लो लगाए तो यही आएगा। अब बेटा जो ये फ्लक्स है, जैसे एक तो क्लोज सरफेस ऐसी है स्फेरिकल सरफेस जिसके अंदर चार्ज रखा है क्यू, एक में लेता हूं क्यू इसके अंदर भी चार्ज रखा है क्यू, और एक में कोई भी इरेगुलर शेप की सरफेस लेता हूं इसके अंदर भी चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो बेटा तीनों से जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, इससे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इससे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये तो बोला था गॉस ने कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का क्या करना है? 1/ε₀। तीनों से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मतलब जो फ्लक्स है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का एरिया है ना, शेप पे, एरिया की शेप पे ये डिपेंड नहीं करता। जो फ्लक्स है वो एरिया की शेप पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे ये एक स्फीयर है जिसके अंदर मैं पॉजिटिव टू चार्ज रख रहा हूं, ऐसी एक स्फीयर और लिया है ना, ये R2 रेडियस का, ये R1 रेडियस का, दोनों का सेंटर सेम ही है। बेटे इस R1 रेडियस में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और R2 रेडियस वाले स्पेयर से भी फ्लक्स कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, और इस सरफेस के अंदर भी टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो मतलब जो फ्लक्स है
वो एरिया की साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। तो ये है बेटा गॉस लॉ। इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।